समीना, समीना किधर हो? अरे इधर हूँ, लाउंज में, इधर आ जाओ। ये लो भाई, ये जरीना ने मंगनी का सूट भेज दिया। मेरी बहन ने बड़ी मोहब्बत से सिलवाया है ये। बस अब तुम ऐसा करो कि इसको पहना के देख लो, उसे साइज वाइज के हिसाब से। मेरा ख्याल है वैसे तो नाप से ही सिला हुआ है, घबराने की बात नहीं है। जुबैर, सबा बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मन्नतें कर रही थी, मेरा तो बहुत दिल खराब हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे अंदर हमदर्दी है? ठीक है भाई, तुम्हारा दिल नर्म है, लेकिन ये सोच लेना कि उसने हमें किन मुश्किलों में डाला हुआ। जुबैर, वो मान रही है। अच्छा, मान गई इतनी आसानी से? हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कह रही थी कि सारा और हादिया भी उसकी मंगनी में शरीक होंगी। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? उसने कहा, तुमने मान लिया? मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। तुम खुद बताओ समीना, ईमानदारी से बताना, ऐसा मुमकिन है कि सारा इन हालात में यहाँ आए जबकि वो क्या नाम है उसका छोटी का, हादिया, वो मीरपुर खास में है? ये मुझे लग ये रहा है कि ये लड़की जो है ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है हमसे। ये मैं तुम्हें बता दूँ, ये वक्त वक्त गुजारना चाहती है, ये वक्त को ज़्यादा तवील करना चाहती है ताकि वो दोनों बहनें यहाँ ना आए और इसकी मंगनी जो है वो रुकी रहे, ये चक्कर है। और हाँ, अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया हूँ, इस बात से तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी शातिर है। क्या हुआ? अरे वो क्या नाम है उसका, वो नाशपाती किसी शक्ल का है वो, क्या, अरे यार क्या लफंगा, वो अरसल, हाँ अरसल, उसका फोन आया था सबा के मोबाइल पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार कर रहे थे, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी इनकी जो हम लोगों ने नाकाम कर दी। जब मैंने उसे लानत मलामत की ना, गालियां दी, तो मुझे धमकियां देने लगा। बताओ, चूजा इतना सा उछल उछल के मेरे मुंह को आ रहा था। बताओ समीना, समीना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और मुझे अब भी शक है कि ये सबा जो है ना, ये उस चिट्टे कबूतर से कानाफूसी करती रहती है, सारी बातें अपनी एक एक इस घर की एक एक बात उसको बताती है, तुम्हारी मेरी सब बताती है उसे। जुबैर, वो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर देगा? अरे क्या करेगा, ये आज के लौंडे लपाड़े, ये बर्गर खाने वाले, ये अंडा खा के निकलने वाले वाले, इनके ये पिज्जा मंगा ले, ये कर लो वो कर लो, सारी सारी रात जागने वाले, इनमें इतना दमखम कहाँ है? उसे भी जवाब दे दो फिर। अरे भाई मैं कोई जवाब अब नहीं दे रहा, उसे जाकर तुम तैयार करो। मैं तो चाहता था कि उसका ब्यूटी पार्लर में तरीके से कोई मेकअप शेकअप हो, कुछ तैयारी हो, लेकिन ये नहीं है, मुमकिन नहीं है भाई। इसको घर में तैयार करो, तुम उसके साथ जाओगी, इसके तो बाहर आशिक घूम रहे हैं बहुत सारे। ज़रा हारिस से भी बात कर लूँ। बहरहाल खाने का ऑर्डर दे दिया मैंने, जरीना को भी मैंने मना कर दिया कि भाई ज़्यादा रश वश लगाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए दो चार आदमी होंगे, ठीक है ना? मैं ज़रा पक्का करके आ जाऊँ प्लान, और तुम घबराओ नहीं, ये सबको मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। तुम देखती रहो मैं करता क्या हूं इनके साथ। सलाम। भाई आपकी दावत मिली है, मुझे खुशी है कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई तुम हमारे मेहमान हो, खातिर तवाज़ो तो बनती है ना। ये ले चाय पी। भाई आपकी खातिर तवाज़ो तो मुझे अच्छी तरह याद है, और अब तो मैं आपके साथ हूँ। निम्मो को मैंने कह दिया कि हम कहीं और चल के रहेंगे और बच्ची आपके हवाले कर देंगे। देख शौकी, तूने वादा खिलाफी की है, पैसे लेके बच्ची हमारे हवाले नहीं की, और सब जानते हैं कि गुलजारा वादा खिलाफी करने वालों को कभी माफ नहीं करता, और तेरी बीवी वो तो बदमाश बन के घूम रही है। भाई देख, मैंने तेरे कहने पे बात मान ली थी, अब सिर्फ तू ये बता बच्ची कब हवाले करेगा हमारे? भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। तू फिर कच्ची बात कर रहा है? देख ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस भाई एक हफ्ते की मोहलत दे दो भाई। ठीक है,
तू अपनी बीवी बच्चे को खाने पे तो लेके आ, किसी से मिलवाना है। कौन है भाई? अरे मेरी दूसरी बीवी, से बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और बात सुन ले, बच्चों को जो ट्रेनिंग है ना, मेरी बीवी ही देती है। तो मैं इतना जालिम नहीं हूं, मेरा भी घर बार है, बच्चे हैं मेरे भी। जी भाई, ले आऊंगा नीमो और हादिया को मैं। चल जा। ताज, ये मांगने वाले लोग हैं, इनको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। तेरी भाभी की फरमाइश है बच्ची से मिलना, अब उसको इनकार तो कर नहीं सकता ना मैं। अब पाउडर वाला काम बाद में करेंगे। हेलो, क्या अपडेट है भाई? सारी तैयारी मुकम्मल है, फुल अल्टर शेरवानी बनाई है पूरे 10,000 की। ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है भाई, प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली हो गई है। मामू, बार बार फोन करके क्यों डराते रहते हो? अरे बात ही डरने की है यार, ये रिश्तेदार जो है ना, इनके तो सीनों में नफरत का अलाव है अलाव, बल्कि भट्टी पूरी सुलग रही है। इनका बस नहीं चल रहा कि ये हमारा गला घोट कर कुछ कर दे। अब इनके वार से बचना तो जरूरी है ना। अरे भाई, यहाँ तो पूरे पूरे प्लान बन रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। बताओ ना मामू, फिर क्या बात है? हाँ बस वो बात अधूरी रह गई थी। अच्छा ऐसा करो, वो जो वक्त है ना, उससे एक घंटा पहले आ जाओ यार। मामू अभी शेरवानी उठाने आया हूँ, फिर सलून जाना है, फेशियल कराना है, 2 घंटे तो लग जाएंगे। अबे भाई ओए, तू दूल्हा है यार, दुल्हन बनने की कोशिश मत कर भाई। घर से ही खुशबू लगा के फौरन आ जाओ, मैंने जो कह रहा हूँ ना बस वो करो, देर मत करना, देर हो जाएगी तो गलत हो जाएगा बहुत। ठीक है मामू, जैसा आपका हुक्म हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ बस आ जाओ। दूल्हा बनने चला है। तुझे क्या जरूरत है पूरे पूरे 2-2 घंटे मेकअप कराने की भाई?